नमस्कार। निर्मा वॉशिंग पाउडर के मालिक करसन भाई पटेल, इनसे हमें क्या सीख मिलती है? निर्मा वॉशिंग पाउडर, आपने नाम तो सुना होगा, निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा वॉशिंग पाउडर खूब एड चलता था टीवी पर। करसन भाई पटेल एक किसान परिवार में जन्मे और एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत की और आज इनकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है इस इनकी कंपनी की। आखिर इन्होंने एक छोटी सी शुरुआत से कैसे इन्होंने एक पहाड़ बना दिया, अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैला दिया, कैसे आखिर इन्होंने यह सब कैसे किया, इनकी सफलता के मंत्र आज अपन जानेंगे। इन्होंने घर घर जाकर साइकिल पर सर्प बेचा, साइकिल पर सर्प बेचते बेचते आज करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी, कैसे ये अपन जानेंगे आज। नंबर वन, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती, ध्यान रखना। करसन भाई पटेल किसान परिवार में जन्मे, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, गुजरात सरकार के भू विज्ञान खनन विभाग में ये नौकरी करते थे। आज के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन करसन भाई पटेल सरकारी नौकरी करते थे पर इनका कुछ करने का जोश जुनून था और इस जुनून के बूते इन्होंने कुछ न कुछ नया करने का सीखा और इन्होंने अपने कंपनी निर्मा वॉशिंग पाउडर की स्थापना की। वो चाहते थे तो आराम से सरकारी नौकरी कर सकते थे और आराम से अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन उनके अंदर जोश जुनून और कुछ नया करने का था। अपने बिजनेस के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। आज के युवा जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं ना, करसन भाई पटेल से सीखना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। अगर आपको कुछ करने का जोश जुनून जज्बा होना तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड, अपने ज्ञान का प्रयोग आविष्कार के लिए करें। करसन भाई पटेल ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था। वो घर पर क्या करते थे, तरह तरह के प्रोडक्ट को मिक्स करते थे और वो देखते थे कि अच्छा सर्प कैसे बनाया जा सकता है। वो रोज घंटों घर पर मेहनत करते थे, वो अपने ज्ञान का उपयोग लेते थे। उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था तो वो चाहते थे कि मैं अपना ज्ञान का प्रयोग कुछ नया करने में करूं, कुछ नया इनोवेशन करूं। और उनकी मेहनत, रोज प्रैक्टिस करते थे वो कुछ न कुछ नया करने के लिए। वो सर्प को प्रयोग करते थे, कैसे सर्प को अच्छा बनाया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए, रोज प्रयोग करते। एक साल तक रेगुलर कंसिस्टेंसी रोज प्रयोग करते थे और एक दिन ऐसा आया कि वो सबसे अच्छा सर्प का निर्माण कर पाए, बेस्ट सर्प का निर्माण कर पाए और बड़ी से बड़ी कंपनी उस जमाने के हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर दिया, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बेहतर था हिंदुस्तान यूनिलीवर से। कैसे था, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तो आज के युवाओं को यही कहना चाहता हूं मैं कि आपके अंदर जो भी ज्ञान है कुछ इनोवेशन करें, कुछ आविष्कार करें, कुछ नया करें करसन भाई पटेल की तरह, तभी आप कुछ नया मार्केट में कर पाओगे और आप आगे बढ़ पाओगे। थर्ड, दुख से पॉजिटिविटी प्राप्त करें। आजकल के लोग क्या करते हैं, युवा क्या करते हैं, थोड़ा सा भी परिवार में दुख मिलता है या परिवार की किसी की डेथ हो जाती है अपने करीबी की तो वो बिखर जाते हैं, बस उसी गम में डूबे रहते हैं। ऐसा मत करना। करसन भाई पटेल, उनकी इकलौती बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उनकी बेटी का नाम होता है निरुपमा। उन्होंने इसको पॉजिटिविटी में लिया। निर्मा निरुपमा का छोटा नाम है और आज अपनी बेटी का नाम पूरे भारत में फेमस कर दिया। आपने देखा होगा निर्मा वॉशिंग पाउडर के ऊपर उस लड़की का एक फोटो आता है। उस लड़की का फोटो अपनी बेटी की प्रेरणा से ही लिया था करसन भाई पटेल ने। तो वो बार बार वो देखकर अपने आप को पॉजिटिव करते हैं और अपनी बेटी का नाम पूरे भारत में अमर कर दिया। तो दुख से पॉजिटिविटी लेना सीखे। यह नहीं कि आपको कोई नुकसान हुआ हो या परिवार में किसी की डेथ हुई हो या आप कर्ज में डूब गए हो तो निराश मत होना, हताश मत होना। करसन भाई पटेल की तरह पॉजिटिविटी लेना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। छोटी शुरुआत में कभी शर्म मत करना। करसन भाई पटेल सरकारी नौकरी करते थे फिर भी अपने खुद के बनाए हुए सर्प को घर घर जाकर साइकिल पर सर्प बेचते थे। अगर वो सोचते कि यार मेरा गवर्नमेंट जॉब है और मैं घर घर जाकर कैसे सर्प बेचूं, तो क्या आज वो 3,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर पाते? नहीं।
करसन भाई पटेल ने शर्म नहीं की। आजकल के तो युवा क्या करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, उसके बाद अगर उनको फील्ड में जॉब करने के लिए कहे तो उनको शर्म आती है कि यार मैं घर घर कैसे जाऊंगा, मैं शॉप टू शॉप कैसे जाऊंगा मार्केटिंग करने के लिए। अगर आप फील्ड में नहीं जाओगे, आप अपने कस्टमर के टच में नहीं रहोगे, आप अपने कस्टमर का फीडबैक नहीं लोगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बना पाओगे। करसन भाई पटेल घर घर सर्प बेचने जाते थे और कस्टमर का फीडबैक लेते थे, उनसे पूछते थे क्या जाग नहीं आ रहे हैं, क्या प्रोडक्ट सही नहीं है, क्या ये कपड़ों को साफ नहीं कर पा रहा है, हर तरह का फीडबैक वो खुद जाकर लेते थे। वो सोचते कि यार मैं सरकारी नौकरी में किसी को भी नौकरी में रख सकता हूं, वो चाहते तो रख सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने खुद ने किया। इसलिए कोई भी काम शुरुआत करो छोटे स्तर पर करना, लेकिन शर्म मत करना। शर्म करोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे, और शर्म नहीं करोगे तो आप भी आगे बढ़ जाओगे। बड़े ब्रांड से टक्कर कैसे लेना, करसन भाई पटेल से सीखना। करसन भाई पटेल जब अपना सर्प मार्केट में लाए निर्मा वॉशिंग पाउडर, तब हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्प मार्केट में बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित था। करसन भाई पटेल को हिंदुस्तान यूनिलीवर से टक्कर लेनी थी, तो करसन भाई पटेल ने दो तरीके से टक्कर ली। पहली तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से बेटर सर्प तैयार किया, उन्होंने अपने दिमाग से अच्छा सर्प तैयार किया। दूसरा, उसकी रेट उन्होंने कम रखी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1 केजी का सर्प उस वक्त 13 केजी में बिकता था और करसन भाई पटेल का सर्प सिर्फ 3 रुपए किलो में बेचते थे। एक तो क्वालिटी अच्छी, दूसरी रेट कम। देखते ही देखते करसन भाई पटेल का वॉशिंग पाउडर, निर्मा वॉशिंग पाउडर पूरी मार्केट में छा गया इस दो रणनीति के कारण। तो करसन भाई पटेल से सीखे कि जब बड़ा ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में स्थापित हो तो आपको टक्कर देने के लिए क्या करना होगा। आपको कुछ नया करना होगा, आपको अपनी प्राइस कम रखनी होगी और कुछ बेहतर देना होगा दूसरे के ब्रांड से, तभी आप अपने ब्रांड को इंप्रूव कर पाओगे, अपने ब्रांड को लोगों के बीच में फैला पाओगे। वरना तो क्या, बड़े बड़े ब्रांड स्थापित हैं और आप भी अपना कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट लाओगे तो आप टक्कर कैसे लोगे। करसन भाई पटेल की यह सीख जरूर याद रखना, जो समाज से लिया है समाज को वापस लौटाए। अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो अच्छा लोगों को दे। भगवान ने अगर आपको पैसे वाला बनाया हो तो अपने पैसे का सही उपयोग करें, और यही करसन भाई पटेल करते हैं। इन्होंने निर्मा फाउंडेशन की स्थापना की, निर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना की, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की और बहुत सारे डोनेशन का काम भी ये करते हैं। इनको पता है कि मैं आज जिस लेवल से उठा हूं तो लोगों को भी मेरी जरूरत है, मैं भी लोगों को कुछ मदद करूं। तो करसन भाई पटेल से आप सीख सकते हैं कि कुछ अगर आपने समाज से लिया है तो समाज को वापस दे। तो करसन भाई पटेल के ये सफलता के मंत्र आप याद रखना। आप भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हो तो उसको आप किस तरह से मार्केट में फैलाना है, किस तरह से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी है, किस तरह से आपको लोगों से कनेक्ट होना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, आप करसन भाई पटेल से बेहतर आप ये सीख सकते हो इनसे कि मार्केट में कैसे उतरे और कैसे सक्सेस पाए।